सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एनपीटी टेपर थ्रेड सीएनसी के ऊपर कैसे काटते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनपीटी और बीएसपीटी थ्रेड के बारे में, कि दोनों में कितना फर्क होता है और कितना कितना फर्क होता है, वो मैंने सारी चीज आपको बताई थी। पिछला वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हैं। और मैं आज आपको एनपीटी थ्रेड के बारे में बताऊंगा, एनपीटी थ्रेड की साइकिल और टेपर साइकिल कैसे कटती है सीएनसी के ऊपर, सीएनसी लेथ के ऊपर। कुछ भाइयों ने कमेंट्स किए थे कि सर एनपीटी थ्रेड की प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए, तो मैं आपको उसी सिलसिले में बताने जा रहा हूँ। तो एनपीटी थ्रेड पिछले वीडियो में थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। एनपीटी थ्रेड क्या है? एनपीटी थ्रेड नेशनल पाइप टेपर थ्रेड है। एनपीटी नेशनल पाइप थ्रेड टेपर थ्रेड है एनपीटी, जिसके अंदर जो टेपर होता है वो 1/16 का होता है, 1/16 या 1:16 का। इसका मतलब 16 एमएम के अंदर 1 एमएम का डायमीटर बढ़ जाता है। अगर स्टार्टिंग में अपना 15 एमएम डायमीटर है, यहाँ है 15 एमएम डायमीटर ये है, और ये 16 एमएम की लंबाई है, तो यहाँ अपना 16 एमएम की लंबाई है, तो यहाँ डायमीटर बढ़ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको बोलते हैं 1/16 का टेपर। ठीक है दोस्तों, एनपीटी और बीएसपीटी में दोनों में सेम होता है 1/16 का टेपर। और एनपीटी और बीएसपीटी में सिर्फ टीपीआई का फर्क होता है, टीपीआई के फर्क के से ही वो अलग अलग हो जाती है। तो अपन आज एनपीटी थ्रेड की कैसे काटेंगे उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों एनपीटी थ्रेड की जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ आपको, इस बोल्ट के ऊपर एनपीटी थ्रेड है। एनपीटी थ्रेड का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1/2 इंच × 14 TPI टीपीआई एनपीटी साइज एनपीटी थ्रेड। ठीक है दोस्तों, ये एनपीटी थ्रेड है 1/2 14 TPI 14 TPI, इसके अंदर TPI बढ़ेगी, यानी कि 25.4 में 1 इंच में 14 चूड़ी बढ़ेगी, उसको TPI बोलते हैं, थ्रेड पर इंच। तो आधा इंची का साइज है पाइप का, तो आधा इंची पाइप के साइज के लिए, इंची का जो थ्रेड काटने के लिए जो पाइप का साइज होगा, जो स्टैंडर्ड साइज आता है पाइप का, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड साइज जो पाइप का आता है, पाइप साइज, पाइप ओडी डायमीटर, आउटर डायमीटर कितना आएगा, ये आता है 21.3 का, 21.3 एमएम का डायमीटर का पाइप आएगा, जिसपे अपन आधा इंची की ओडी पे थ्रेड काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 21.3 का पाइप आता है। इसी तरह से 1/2 का इंच का है, और 1 इंच साइज के लिए जो पाइप का साइज आता है वो आता है 33.4 का एमएम का, क्योंकि अपन एमएम में काम करते हैं, इसलिए मिलीमीटर में मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें मिलीमीटर में है। तो एक आधे इंची पाइप का जो ओडी आएगी वो 21.3 का आता है, और 1 इंची पाइप का जो साइज आएगा वो 33.4 है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आधे इंची का मतलब तो हो गया 12.7, अगर एमएम में कैलकुलेशन करें तो, वो स्ट्रेट थ्रेडों में काम आता है, या पाइप थ्रेड है, जहाँ पाइप फिटिंग होती है लीकेज रोकने के लिए, पाइपलाइन में जहाँ वाटर पाइपलाइन होती है या फिर ऑयल पाइपलाइन होती है, वो सारे के सारे एनपीटी या बीएसपीटी में ही थ्रेड कटती है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आधा इंची की जो चूड़ी है वो 21.3 का पाइप आएगा, और 1 इंची का साइज है वो 33.4 का पाइप साइज आता है ओडी, ओडी जो आउटर डायमीटर आएगा वो 33.4 का आएगा, और 21.3 का इसमें आएगा। तो दोस्तों अपने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको एनपीटी थ्रेड का। आधा इंची की चूड़ी है, स्टैंडर्ड साइज आता है आधा इंची, पौन इंची, 1 इंची, 1/2 इंची, 1.5 इंची, या 1/0 या 3/4 का स्टैंडर्ड साइज है इंचीज के अंदर।
जो स्टैंडर्ड साइज है वही मैं साइज बता रहा हूँ आपको, आधा इंची का। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक ये 30 mm की चूड़ी है, 30 mm लंबाई में है, 30 mm में लेंथ में काटनी है अपन को उसको, ठीक है। तो 30 mm के लेंथ में मेरे को एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। 30 mm का डेप्थ में अपन को चूड़ी काटनी है, ठीक है दोस्तों। इसका जो स्टार्टिंग डायमीटर बनेगा, वो स्टार्टिंग डायमीटर जो बनता है इसका 19.26 बनेगा, ये डायमीटर जो बनेगा स्टार्टिंग डायमीटर 19.26, ठीक है दोस्तों, ये स्टार्टिंग का डायमीटर। अब स्टार्टिंग का डायमीटर 19.26 है, और एंड का डायमीटर जो बनेगा, एंड थ्रेड का एंड डायमीटर बनेगा वो 21.35 का बनेगा, ये वाला डाया 21.1 21.135, ठीक है दोस्तों। तो दोनों में देखो आप कितना डिफरेंस है, 19.26 और जो एंड का डायमीटर बनेगा 21.135 डायमीटर बनेगा मिलीमीटर के अंदर, 30 mm की थ्रेड लेंथ में, ठीक है दोस्तों। तो अपन को ये देखना है कि कितनी लंबाई में कितना डायमीटर, स्टार्टिंग डायमीटर तो स्टैंडर्ड रहेगा 19.23 और जो मैक्सिमम डायमीटर जाएगा वो जाएगा 21.135 30 mm की लेंथ में। तो आप एग्जाम्पल बता रहे हो, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। अब दोस्तों टेपर कैसे निकालते हैं मैं आपको फिर एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये तो हो गया 19.26 और ये हो गया 21.21.135, ठीक है दोस्तों। अब यहां से यहां तक ये 30 mm है, ये 30 mm इसकी लेंथ है टोटल थ्रेड की। अब यहां से यहां तक कितना अपना टेपर बन रहा है दोस्तों, ये अपन देख सकते हैं, यहां से ये टेपर है। इन दो डायमीटर में फर्क है जो पता लग जाएगा अपन को कितना आएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा यहां से ये तक का, मैं त्रिभुज बढ़ा देता हूं, ये और ये, ये डिफरेंस जो 30 mm आ रहा है इस डायमीटर का और इस डायमीटर का फर्क, वो आधा कितना हो जाता है, 0.8, ये हो जाएगा 0.935। ये जो फर्क होगा ये 0.9375, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्क आ गया अपना। अब जो G32 या G92 थ्रेडिंग साइकिल है उसमें अपन R वैल्यू डिफाइन करेंगे, वो R वैल्यू बनेगी R.9375। ये वैल्यू अपन साइकिल के अंदर डाल देंगे तो अपनी थ्रेडिंग कटती चली जाएगी। कैसे काटेंगे मैं आपको बता देता हूं, इसको आप नोट कर सकते हो, 1/16 का आप याद रखना, 1/16 का टेपर है, 1/16 का। फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, 1/16 का 1 mm अगर अपना बढ़ता, 1 mm डेप्थ है तो उसमें फर्क पड़ता है 0.0625 mm का, ठीक दोस्तों। अब मेरा ये 19.26 है, इस मैं 0.025 को 30 से गुणा करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू में अपन इसको जोड़ देंगे तो ये लास्ट का डायमीटर निकल का आ जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और जो भाई नए हैं सीखने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा चैप्टर बता रहा हूं, आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। आर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आर वैल्यू में कितनी आई थी, आर आर इक्वल टू 0.9375, ठीक है दोस्तों।
अब ये वेल वाले के बाद मैं साइकिल यूज करूंगा G32, G32 या G92, G32 या G92। G32 पुरानी मशीनों के में जो साइकिल थी उनमें G32 चलती थी, और अभी जो लेटेस्ट आ रही है G92 में है। अगर आप G32 यूज करेंगे तो मशीन अलार्म दे देगी कि ये अवेलेबल नहीं है, तो आप G92 यूज कर सकते हैं। तो G92 या G32 एक ही चीज है फानुक सिस्टम के अंदर, सीमेंस में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फानुक के लिए है। दोनों एक ही साइकिल है, या तो 32 होगी या G92 होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ G92 किस तरह से यूज करना है। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम नंबर लिखूंगा, ओ 500 नंबर प्रोग्राम लिख देता हूँ, 5500 नंबर लिख देता हूँ। इस पे लिख देता हूँ 1/2 इंच × 14 NPT थ्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ये साइज है मेरा, तो वो मैंने प्रोग्राम के ब्रैकेट में भी लिख दिया है ताकि पता रहे कि मैंने क्या निकाला था। फिर मैं G28 यूज करूंगा, G28 U0W0। ठीक है, उसके बाद टूल नंबर लूंगा T01 टर्निंग के लिए। सबसे पहले मैं टर्न करूंगा डायमीटर को, टर्निंग के बाद ही अपना वो आएगा। G T01 01, फिर G96 S200 कटिंग स्पीड भी यूज कर रहा हूं, M03 और G90। अब दोस्तों एक चीज समझने वाले, अगर मैं G92 थ्रेडिंग में यूज हो रहा मशीन में, तो G92 स्पिंडल की स्पीड में काम नहीं आएगा, और G32 यूज हो रहा है तो G92 यहाँ यूज हो रहा है तो G50 काम आएगा, G50। और जिनमें G32 साइकिल है उनमें G92 यूज होता है, सॉरी G32। तो यार G50 यूज कर रहा हूँ G92 की जगह, G50 S 1800 RPM है और M3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मेरे को टर्निंग करनी है। टर्निंग करने के लिए सबसे पहले फेस करता हूँ, ये फेस पाइप का डायमीटर मैंने आपको बताया था 21.3 का डायमीटर है पाइप का, तो मैं G0 G40 X 25 ले लेता हूँ Z0। ठीक है, उसके बाद G01 फेस करूंगा, G01 X0 सॉलिड है इसलिए F0 करूंगा, F0.2। G0 1 mm बाहर निकाल के Z1 और G0 X 19.26। ठीक है दोस्तों, 19.26 पे चला गया। 19.26 पे जाने के बाद ये आर वेल में लिख देता हूँ, आर 0.9 375। फिर मैं दोस्तों यहां चला गया, फिर G01 G42 यूज करूंगा, X 19.26 और Z0 पा जाऊंगा F 0.2। G42 लगेगा क्योंकि राइट साइड में टू लग रहा, G42 यूज करेंगे। फिर टेपर निकालूंगा, G01 X 21.135 Z-30 F.2। ठीक है, फिर G0 G40 X 25 ले लेता हूं और G0 Z 50। तो ये दोस्तों मेरा टर्निंग का प्रोग्राम बन गया है। टर्निंग का प्रोग्राम बनने के बाद मैं टेपर थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाऊंगा। टेपर थ्रेडिंग के प्रोग्राम बनाने से पहले ये बनाया, उसके बाद मैं एक चीज और भूल गया हूँ, वो है चैम्फर। चैम्फर में अपन को स्टार्टिंग में लगाना, नहीं तो थ्रेड नहीं चढ़ेगी। तो उसके बाद चला जाता हूँ G0 Z-2, 2 mm का चैम्फर लगा दूंगा, और G01 X 19.5 तो तार के 0.2 और G01 X 2 mm का चैम्फर है तो 4 mm कम हो जाएगा 0.2।
15.5 और जेड जीरो F.2 और फिर G0 Z50। ठीक है दोस्तों, ये मेरा प्रोग्राम बन गया टर्निंग का और चैम्फर का। एटलीस्ट 2 mm का चैम्फर लगाना जरूरी, नहीं तो बराई की थ्रेड के ऊपर। तो ये टर्निंग का प्रोग्राम बनाने के बाद मैं बनाऊंगा थ्रेडिंग का प्रोग्राम। थ्रेडिंंग का प्रोग्राम आप अच्छे से नोट करो, दोनों सिस्टम के लिए बताऊंगा, सीमेंट्स और फानुक के लिए। दोनों में कॉमन भी G33 साइकिल है, उसको भी यूज कर सकते हैं, या G92 और G32 फानुक के लिए है, फानुक में आप अच्छे से यूज कर सकते हो। फिर T0 T02 दो नंबर टूल है थ्रेडिंग का। G97 कांस्टेंट आरपीएम रखूंगा मैं, G97 एस आधे इंची की चूड़ी, तो उसके लिए कम से कम मेरे को चाहिए 1000 आरपीएम, 1000। M04 है क्योंकि राइट साइड की ओडी में चूड़ियां है इसलिए, ठीक है। उसके बाद G0 X 19.26 है, जब मेरा साइकिल चलेगी तो ये ऐसे चलेगी ऊपर उठ के। तो सबसे पहले मैं X ले लेता हूँ, X 25 और Z 5। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो थ्रेड काटूंगा मैं 0.5 लेकर चलूंगा ऊपर, ताकि जब रिटर्न आएगी तो 0.5 इससे टच होकर नहीं आए, वो ऊपर हवा में निकल के चली जाए। तो दूसरा पहले जो कट लूंगा G0 एक्स 19.76.5 ऊपर लेके, फिर मैं G92 या G32 थ्रेडिंग साइकिल यूज करूंगा। G92 में ले लेता हूँ, G92 एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स के लिए मैं इसमें जो मेरा टेपर बन रहा है वो है 0.0625 × 30। ठीक है, अब मैं 30 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी 0.0625 × 30 1.875 आ गया, 1.875 ये टेपर की वैल्यू है। इस टेपर की वैल्यू को मैं प्लस कर देता हूं 19.76 में, तो दोस्तों ये बढ़ जाती है x 21.635 z − 30। f जो वैल्यू आएगी, f जो आएगी वो पिच के इक्वलेंट आएगी। पिच कितनी है अपनी, टीपीआई है, टीपीआई कितनी है, टीपीआई है 14। तो 14 तो जो पिच आएगी 1/40, तो ये जो वैल्यू आती है 1/14, 1/14 0.0714 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो 25.4 से, तो ये वैल्यू mm में आ जाएगी 1.8143। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगी। तो फील्ड में डालूंगा F 1.8143। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी तरीके समझा रहा हूं, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। जो तरीका मैं समझा रहा हूँ जो वो बहुत अच्छा है और सबके समझ में भी आ जाएगी। अब मैं इसमें 0.5 का पहला कट लूंगा, ये तो मेरा हवा में लग जाएगा कट, क्योंकि मैं जब भी रिपीट होगी साइकिल तो वो हवा से ही बाहर आएगी निकल के। तो ये मेरा जो पहला कट है वो हवा का है, उसके बाद आइडियल वो है कट बोल सकते हैं अपन इसको। फिर मैं 0.5 का कट लूंगा,
0.5 का कट लेने के लिए मैं 18.76 का 21.26 है तो 76.5 को ले लेता हूं। x इसमें एक चीज और बोल रहा दोस्तों, r इसमें r की वैल्यू भी लगेगी टेपर के लिए। r वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, 0.9375, तो ऑटोमेटिकली टेपर में जाएगी थ्रेड। r f z x G92, तो 1 2 3 4 5 चीजें होनी चाहिए अपनी टेपर के लिए। यहाँ आर रेडियस नहीं है, ये टेपर वैल्यू है जो एनपीटी में काम आती है, वो टेपर वैल्यू है। टेपर मैंने बताया था कैसे निकालना आपको, वो सारी चीज मैंने बता चुका हूं, तो आप अच्छे से इसको यूज करें। फिर मैं 0.5 का एक कट लूंगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू लिखते जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं चलाऊंगा एक्स 19.5 पर 26, सिर्फ इतना डालना है और कुछ नहीं करना आपको, एक्स की वैल्यू लिखते जाना है। और कितना वैल्यू तक बढ़ाएगा, जो हाइट बढ़ेगी थ्रेड की, वो थ्रेड हाइट बढ़ेगी वो बता देता हूं आपको। थोड़ा सा ये भी बता देता हूं आपको, थ्रेड हाइट, एक तो एंगल है, थ्रेड एंगल 60 डिग्री की बढ़ेगी, और थ्रेड हाइट जो होगी वो होगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि कौन से गुणांक के जिससे अपन गुणा करते हैं, 0.78 से गुणा करते हैं, 0.78 इंटू पिच, तो 0.78 इंटू पिच कितनी थी, 1.8143, ठीक है दोस्तों। इसको मैं गुणा करूंगा तो कितनी आएगी हाइट मेरी, ये हाइट बढ़ जाएगी 1.4151 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा डायमीटर के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगी 2.8302, और जो माइनर डायमीटर आएगा, माइनर डाया बराबर, स्टार्टिंग का डायमीटर था अपना 19.26 माइनस 2.8302, तो ये हो जाएगा अपना 16.42 mm, या मैं लिख सकता हूं इसको 16.43 mm, ठीक है दोस्तों। ये माइनर डायमीटर, तो माइनर डायमीटर हाइट से निकलेगा, कितनी हाइट निकालनी है वो मैंने बताया आपको, थ्रेड हाइट, तो थ्रेड की हाइट है वो इस तरह से है, ये थ्रेड हाइट है एच, तो एच वैल्यू मैंने आपको बता दी है। एच कैसे निकालना, ये एच आएगा, ये 2H हो गया, और 2H को मैंने कम कर दिया स्टार्टिंग डायमीटर से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 16.26 है, फिर मैं 0.44 के कट लगाऊंगा, 0.44 के कट में 18.36 हो जाएगा 0.4 कट में, फिर 0.3 के 18.06, 0.3 का कट है, 0.5 का कट ये है, 0.4 का कट ये है, 0.3 का कट ये है, डेप्थ ऑफ कट जो आएगा 0.5 0.4 0.3, फिर मैं 0.33 का कट लगा के आपको पूरा प्रोग्राम बता देता हूं, ये आप नोट कर लो। सिर्फ अपन को एक्स की वैल्यू लिखती जानी है और कुछ नहीं करना, बाकी टेपर ये ऑटोमेटिक ले लेगा। x 19.26, 18.36, 18.06, उसके बाद 17.76, 17.46, x 17.16, x 16.86,
और एक्स 16.56, एक्स 16.46.1 का कट है और फिर एक्स 16.43। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर एक कट में रिपीट कर देता हूँ, एक्स 16.43, फिर जी जीरो हटा देता हूँ, जी जीरो एक्स 50, जेड 50 और एम 30। तो ये दोस्तों इस तरह से G92 थ्रेडिंग साइकिल में अपन चूड़ी काट सकते हैं। G92 या G32 थ्रेडिंग साइकिल है, उसको अपन यूज करके अच्छे से टेपर थ्रेडिंग काट सकते हैं। जो भाई थ्रेडिंग टेपर थ्रेडिंग काटने डरते हैं या उनको पता नहीं है, तो वो अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से यूज कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर सकते हो मेरे को, या फिर कमेंट्स में आप लिख सकते हो, हर कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें कहीं घबराने वाली बात नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया G32 या G92 थ्रेडिंग साइकिल। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद।